क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंजीयन का प्रारंभ करी थे। मध्य प्रदेश के सियासत के वर्तमान यदि हालत देखब तो सियासत अपसयमा चल रही है और वापस में ऐसे कि कबो सियासत मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पक्ष में चली जाती और कबो भाजपा के पक्ष में, यह हम नहीं कही, यह वर्तमान मध्य प्रदेश के हालात कह रहे हैं, हालात ऐसे कह रहे हैं। और जो ने के ये हालातन का देख के आज हम मुद्दा लेके आए हैं कि बिंद के भाजपा के बागी विधायक दैदहीन कांग्रेस का गच्चा। जी हाँ, ठीक सुने कि बिंद के भाजपा के बागी विधायक दैदहीन कांग्रेस का गच्चा। अपना दोनों नामन का जानी थे, भली बुआ तौर से जानी थे, एक जने विधायक है मैहर से नारायण त्रिपाठी और दूसर व्यवहारी से शरद कोल। दोनों के द्वारा अबे कुछ महीना पहले विधानसभा में एक बिल पेश कर के वक्त में इनके द्वारा कांग्रेस के पक्ष में वोट किनगा, जो ने कहा कि वह कांग्रेस के पक्ष में 121 वोट पड़े और पूरे बिंद में हड़कम मच गया और पूरे प्रदेश में हड़कम मच गया कि ये ज्यादा वोटिंग कहां है। बाद में खुलासा हुआ कि शरद कोल और नारायण त्रिपाठी के पक्ष जो है कांग्रेस की तरफ है, जो ने मां मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा इनका इकट्ठा कई के प्रेस वार्ता की इनका, जो ने मां यह कहा जा रहा कि नारायण त्रिपाठी घर के वापसी कह रहे हैं और शरद कोल उनका पिताजी कांग्रेस में है तो कांग्रेस में तरफ आ रहे हैं, उन बहुत जल्दी इनका कांग्रेस में शामिल कर लीजिए। एक अलग के पूर्व लगातार एक असमंजस के दौर बना रहा भाजपा और कांग्रेस में कि कब यही कब यही। अब आज जो सबसे बड़ी खबर आई कि फिर से कांग्रेस का गच्चा दई के अब आएंगे अपना के भाजपा में और भाजपा में ले आवे कि सबसे बड़ा श्रेय जो सूत्रन से हवालन से ये खबर मिली है कि नरोत्तम मिश्रा जो पूर्व मंत्री रहे शिवराज शासन काल में उनके द्वारा यह पूरा प्रयास किएगा, उनका ब्रेन वॉश किएगा और अब भाजपा की तरफ उनका मोल्ड कह लीनगा। जो ने मां लेके राकेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उनके द्वारा प्रेस वार्ता किए गए, प्रेस वार्ता में उनके द्वारा यह कहा गया कि ये कबो गवे नहीं भे, निष्ठावान कार्यकर्ता है ही दोनों और भाजपा से हटके कहो न जी, जबकि यह पूरे मामला में नारायण त्रिपाठी के द्वारा कांग्रेस में बड़ा आरोप लगावागा कि ए मां कौनो ऊर्जावान नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस जो है एक बिफरा हुआ नेतृत्व है और उनके द्वारा यह कहा गया कि एम पद और मंत्री के ऐसा लोलुपता के प्रलोभन दे के एम कांग्रेस में ले जाए के प्रयास रहा, किंतु हमारे द्वारा ऐसा नहीं किएगा, वो हम एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, हम भाजपा के रहें और भाजपा में रहा और उनके द्वारा यह कहा गया कि मैहर के विकास खातिर हम लगातार आवाज़ उठावर रहें चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। और अब यह देखी पूरे रिपोर्ट में और सुनी नारायण त्रिपाठी के बयान। धन्यवाद। पर मैं वर्तमान में भी जानता हूँ कांग्रेस दिशाहीन पार्टी है, कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है, ये तमाम बातों को मैं इतने दिन आप प्रलोभन दिया था, कोई प्रलोभन की बात छोड़िए ना, प्रलोभन यही होगा कि मेरे मैहर का विकास, कोई मुझे प्रलोभन की बात नहीं, मुझे कोई मैहर का विकास, मेरा मैहर का विकास एक सपना था, मैहर के विकास की मैं लगातार बातें किया, अब प्रलोभन तो सामान्य बातें होती है, ये कर देंगे ये भी बात छोड़ मैहर को लेकर कोई आश्वासन।